बोले महाराज देखो ये सब कुछ तो बेकार ही, जब तक उनका उद्धार नहीं होता है तो महाराज कुछ ऐसा उपाय बताओ जो उनका उद्धार हो जाए। तो कहने लगे देखो तुम्हारी जब तीन पीढ़ी तपस्या करेंगी ना तब जाकर, कपिल भगवान ने कहा जब तुम्हारी तीन पीढ़ी तपस्या करेंगी, जब गंगा मैया इस धरा धाम पर आएंगी, जब गंगा का जल स्पर्श होगा इन राख के ढेर से, तो जो तुम्हारे 60,000 चाचा हैं उनका उद्धार हो जाएगा। अंशुमान बड़े प्रसन्न हुए, तो अंशुमान सगर जी के पास में सगर को सारी सूचना बताई। बोले दादा ऐसी सी बात है, बोले गंगा माई धरा धाम पर जब आएंगी तो हमारे 60,000 चाचाए हैं इनका उद्धार हो जाएगा। सगर ने जैसे इस बात को सुना बड़े प्रसन्न हुए, उस घोड़े को लाए, यज्ञ पूर्ण हुआ और आगे महाराज सगर का देहांत हो जाता है, अंशुमान का विवाह होता है, अंशुमान से पुत्र होता है जिसका नाम महाराज दिलीप रखा जाता है। तो दिलीप को सारा राजपाट संभालने को दिया जाता है और अंशुमान स्वयं तपस्या करने निकल जाते हैं। तपस्या करने लगते हैं और तपस्या करते करते महाराज अंशुमान का वही शरीरांत हो जाता है। फिर महाराज दिलीप का विवाह हुआ, दिलीप के पुत्र हुए महाराज भागीरथ जी महाराज। और इन भागीरथ जी के जो पिता है महाराज दिलीप, वो दिलीप तपस्या करने निकल जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं, तपस्या करते करते उनका वहीं पर शरीरांत हो जाता है। और फिर महाराज क्या हुआ, यहाँ पर तपस्या करने वाले सिर्फ बचे महाराज भागीरथ जी। अब ये भागीरथ जी हैं, ये तीसरी पीढ़ी है, कहा था कि तीसरी पीढ़ी जो होगी जब गंगा आएगी तब जाकर महाराज भागीरथ क्या किया, तपस्या करना आरंभ किया, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने बैठ गए। ओ भागीरथ ने गंगा के निमित्त सबका ध्यान लगाया है, भागीरथ ने गंगा के ओके सबका ध्यान लगाया और बारह वर्ष की तपस्या से प्रभु को प्रसन्न कर पाया है। महाराज 12 वर्ष की तपस्या की।